कन्नौज क्षेत्र कारोबारी पीयूष जैन के पैतृक आवास पर पिछले कई घंटों से डीजीजीआई की छापेमारी लगातार चल रही है। बता दें कि टीम शहर के छिपट्टी मोहल्ला स्थित उनके पैतृक आवास पर शाम के करीब 4 बजे पहुंची थी। तब से लेकर रात 2 बजे तक ये छापेमारी की कार्रवाई जारी रही और सुबह तक भी चलने की बात कही गई। वहीं बताया गया है कि घर के अंदर काफी लॉकर और कमरे हैं, जिस कारण काफी समय लगा। हालांकि मकान के अंदर से टीम को कितनी रिकवरी हुई इसकी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। इतिहास और इत्र नगरी से बराबर हम आपको अपडेट देख रहे हैं। हम ये कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले में खड़े हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये पीयूष जैन जी का मकान है, जहां पर बराबर हम आपको बराबर अपडेट कर रहे हैं, जो कि लगभग 4 बजे दोपहर में एक टीम आई थी, जिसके बाद बराबर यहां पर पूछताछ चल रही। लगभग अभी तक 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जो टीम से बाहर नहीं आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग इससे एक छापा पड़ा है, जो कि कन्नौज के हरी मोहल्ला में। सूत्रों की माने तो एक अभी भी एक और जानकारी मालूम हुई है, जो अन्य लोग अन्य व्यापारी जो हैं वो भी रडार में आ सकते हैं। ये नज़ारा आपको दिखाए हैं कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले के पीयूष जैन के घर का है, जहां पर उनके जो बेटे जो हैं, जो मोनू और प्रत्याशु यहां पे आ चुके हैं, जिनको अंदर बराबर उनसे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि सूत्रों की माने तो यहां पर मकान इतना बड़ा है, जो कि एक पोर्शन में अभी तक काम हो चुका, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कटाई का काम जारी, जो कि बराबर देर रात तक वो उनकी जो छापेमारी वो चलती रहेगी, जिसकी अपडेट हम आपको जल्द ही आगे देंगे। कन्नौज कैमरा पर्सन के साथ जेमडी न्यूज हिमांशु तिवारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।